साहब घर पहुंच गए। हाँ जी मैं घर आ गया। भाई साहब इतनी बुरी बहुत स्पोच हो रहा था, मामला रेल बनी पड़ी थी आज। ना तो बात ना बढ़िया हो गया, प्रोग्राम बहुत बढ़िया संख्या में हो गया। और क्या चाहिए, बस हार रहा यो ठीक करा। हमारा नंबर लगा बोलने का, पर ऐसा लगा हम जिद पे बोले, लेकिन मामला ठीक गया। ऐसा ये तो संगठन कर देंगे एकदम। संगठन से, और सुनो हमारी ताकत संगठन से ही है। बिल्कुल, हम तो ये दूसरों के सामने तो कहना संगठन है, लेकिन संगठन का हाथ ठीक है। सही बात है। और बताओ सब ठीक चल रहा? तुम्हारे यहाँ क्या चल रहा? मारे हैं तो कोई इसका चंदन का विरोध है बस, बिजनौर में भाई खराब है इसे चंदन पूरी पूरी वो है यार भैया पूरी को है। तुम सुनो अगर चंदन हार गया ना लोग जल खत्म हो जाएगी। वही तो कह रहा हूँ, यो बहुत जरूरी है यार। यो जो है ना यहाँ से क्या नाम, एक तो संजीव वाले ना आना बहुत जरूरी। संजीव वाले हार जाए बेफिक्र रहो भाई साहब, मरवा दो तुम, यो बहुत जरूरी है सच में। नहीं यो हार जाएगा, और अगर यो जीत गया ना हाँ तो तुम सोच नहीं सकते बहुत बुरा हाल हो जाएगा। नहीं फिर यार बस क्या कहना है, सर्वेश सिंह का क्या लग रहा, हारा खार का चुनाव चल रहा? वो जीत रहा है, बढ़िया चुनाव जीत रहा है। अच्छा बस वो जीत जावे, क्योंकि भूपेंद्र चौधरी ने हार का टिकट दिलवाया ताकि वो खत्म हो जाए। पर वो जीत जावे, वो जीत जावेंगे चंदन। और यो जो है अमर से जो लड़ रहा हूँ सर्विस, वो गुजर लड़ रहा हूँ उसका कुछ ना पता, पर वो सर्विस तो चुनाव जीत जाएगा, बढ़िया जीत जाएगा। मेरी सुनो ग्वालियर चुनाव हार रहा कम से कम 1,00,000 वोटों से। भाई यार तुम इसे 5,000 वोट हरा दो, पर हरवा दो मैं जो कह रहा हूँ। तुम्हारे यहाँ भी दिक्कत कराया गया बिजनौर तक? अरे यहाँ तो भाई मोहरा भाई संजीव बालियान मोहरा भाई, अरे मैं यूँ कह रहा हूँ जितना वो चल रहा है ना यहाँ का, ये सब इसके ऊपर ही चल रहा है संजीव बालियान। मतलब यहाँ तक कि जो जितने भी जाट लैंड है ना, जो पूरी की पूरी इसके ऊपर कूद है। बस तो अब क्या हो गया इलाज इसका, क्यों टेंशन ले रहे तुम भाई? और वालों तुम यो समझ लो, मेरा जो टिकट कटा था ना यो इस जाट टिकट के ऊपर कटा था। अरे तो के बाद यो हार गया ना तो तुम्हारा भाई जिला अध्यक्ष बनकर दिखाएगा। बिजनौर के हिंदू जागरण मंच का जिला संयोजक व थाना कीरतपुर निवासी अंशुल राजपूत द्वारा जाट समाज के नेताओं के खिलाफ असभ्य व जातीय भाषा का प्रयोग कर गाली देने पर जाट समुदाय में उबाल ला दिया है। अंशुल आर्य की ऑडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। जिसमें अंशुल आर्य जाट समाज के विरुद्ध कर रहा अपमानजनक टिप्पणी। बीजेपी के दो बड़े नेताओं पूर्व सांसद संजीव बालियान, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को गाली व जाट समाज के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है। साथ ही बीजेपी के जाट उम्मीदवार चंदन चौहान को चुनाव हारने की वार्ता कर रहा है। जाट समुदाय के लोगों द्वारा शिकायत करने पर हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक अंशुल आर्य और एक अज्ञात के खिलाफ कीरतपुर थाने में मुकदमा संख्या 242/24 धारा 153A2 505(2) भादवी व धारा 66 IT एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जाट समुदाय के सम्मान को ठेस पहुंचने पर FIR दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी न होने पर लोगों ने कीरतपुर थाने पर धरना देकर अंशुल राजपूत की गिरफ्तारी की मांग की है। बिजनौर एक्सप्रेस के साथ विकास आर्य की रिपोर्ट। थाने पर बैठने दिया ये नहीं, थाने पर आप बैठोगे ये तो आपकी हरदर्मी का है। 144 लगी थाना है, आपकी जो नियमित कार्रवाई है वो मैंने शुरू कर दी है, आपको FIR की कॉपी मिली। उसे जेल भेज दो या हम भेज दो, हम जेल का गिरफ्तार करेंगे। कौन कौन भाग जाएगा तो यार जेल भरो जी, जेल भरो, कहाँ चले जेल चले भाई, जेल चले चले भाई, कहाँ चले जेल चले भाई, जेल चले ऐसा है। देखिए भाई एक बार मेरे पास कोई ये नया प्रकरण नहीं है, तमाम आपने देखे होंगे जो कानून है वो अपना काम कानून के तरीके से होगा, कोई अलग तरीके से नहीं। इंस्पेक्टर साहब और प्रकरण में हाथ आप आदमी
और कितने प्रकरण हम भी देख रहे हैं, हाथ उठ जाता है। फेसबुक पर डाल दिया ना, मेरी वॉइस डंप कर दी, वॉइस डंप कर दी। अन्य हम मत कर दे, लोग थाने की तुरंत पहले पहला बना ये बोल देगा हम तो उठ जाएगा। कोई बात नहीं है, जो पार्टी दे भाई, जो पार्टी दे तो सत्ता में चलो पार्टी पूरी दे सत्ता से गाली दे रहा है। आप से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।